हिमाचल की बेटी एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ जिस तरह महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने कार्रवाई की है, उसके खिलाफ पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने कड़ा संज्ञान लिया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा उपायुक्त हमीरपुर कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। अब उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर न्याय की मांग की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के संयोजक रसेल सिंह मनकोटिया ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है और एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, पेक्कड़ा निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर हिमाचल की बेटी कंगना रनौत को न्याय दिलाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से सभी जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। वो ज्ञापन इसलिए सौंपे जा रहे हैं कि हिमाचल की बेटी, इस वीर भूमि की बेटी और विश्व ख्यात अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष करके वहां के नगर निगम की ओर से जो उनका भवन तोड़ा गया है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उससे हमारे पूरे प्रदेश की, पूरे देश की जनता का सिर शर्मसार हुआ है। और उस ज्ञापन के माध्यम से हमने राष्ट्रपति से अपील की है कि महाराष्ट्र सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और कंगना रनौत को जो है वो उसको उसका न्याय दिया जाए। इसी तर्ज पर आज जिला हमीरपुर की ओर से 500 लोगों ने हस्ताक्षर करके, ओबीसी मोर्चा के 500 लोगों ने अपने सिग्नेचर करके जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पांचों मंडलों के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस बीजेपी के जो ओबीसी मोर्चा की कमेटी के लोग हैं वो सभी आज यहां आए हैं।